नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज रिपोर्टर। आज मैं आपको बताऊंगा किसानों की समस्याओं को लेकर एक ऐसे नेता हैं, जुझारू हैं, जो अपनी आवाज़ जनता की आवाज़ तमाम मुद्दे जो है उठाते हैं और न्याय दिलाने का प्रयास भी करते हैं। सबसे पहले नेताजी का स्वागत, अभिनंदन नेताजी हमारे चैनल में। और ये बता, राजनाथ यादव जी हैं और किसानों की समस्याओं को लेकर उठाते हैं, उनके मुद्दों को तक देश तक पहुँचाते हैं। क्या आज का कार्यक्रम था, क्या कुछ कार्यक्रम है किसानों की समस्याओं को? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सोशल मीडिया जितने लोग हो अधिकतर आपको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि आए दिन आप किसानों के मुद्दों को उठा रहे हैं। आज हम जौनपुर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों की समस्याओं को लेकर के आया हूँ। समस्या हमारा यह है कि ये केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादे से अब मुखर रही है, भूल रही है, उल्लंघन कर रही है। एक सवाल मेरा ये है, किसानों की समस्याओं को लेकर तमाम जो है लोग जो है अखिलेश यादव तमाम ऐसे मुद्दे उठाते हैं, किसानों के हित में काम करेंगे, चाहे राहुल गांधी की अगर बात करें तो क्या लगता है कि 2024 में क्या फिजा रहेगा? किस तरह से किसान जो है इतनी परेशान हो चुकी है, तमाम उसको मुआवजे नहीं मिल पा रहे हैं। अगर बात करें तो हाईवे पे की तमाम ऐसे ज़मीनें हैं जो महोबा की अगर बात करें तो वहाँ पे किसान जो है अनशन पर बैठे थे, उनको सही रेट नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, उस पर क्या बोलेंगे? जैसा कि इस देश को जिंदा रखने का अगर कोई दम रखता है वो किसान रखता है, और किसान से सरकार ने 2020 और 21 में टकराई थी, जो माफ़ी मांगते हुए और शेष मांगों को करने के लिए वादा किया था। साथ साथ जहां आप दल की बात करते हैं, दल के लोगों को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि किसानों का जो मुद्दा आप लोग उठाकर आगे लड़ाई लड़ रहे हैं, सबको अपने मतभेदों को भुला करके किसानों के मुद्दों को लेकर के एक मंच पर आकर के इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ अगर संघर्ष करेंगे सफलता मिलेगा। तो एक सवाल मेरा ये है, 24 में किसान किस तरह से सरकार को करेगी? हमारा संयुक्त किसान मोर्चा राजनीति से दूर रहना चाहता है, लेकिन देश को खतरा होगा, संविधान को खतरा होगा, किसान के अधिकार को खतरा होगा, मजदूरों को खतरा होगा, नौजवानों को खतरा होगा, तो संयुक्त किसान मोर्चा जिस तरह से 13 महीने 11 दिन तक आंदोलन करके ये किसान को जुड़ने का प्रयास किया है, अगर देश और संविधान को खतरा होगा, ये संयुक्त किसान मोर्चा लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब संविधान को बचाने के लिए, किसान और मजदूर को बचाने के लिए संघर्ष करेगा और संघर्ष करके इस देश को, इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। राहुल गांधी अगर बात करें तो किसानों के हित में जो किसान की समस्याएं तमाम ऐसे जो है दौरा कर रहे हैं, चुनावी उसमें कर रहे हैं, तो किसानों के हित में कर रहे हैं काम, तो उस पर क्या कहेंगे उनको? मैं किसानों के साथ जुड़ने वाले सभी, राहुल गांधी हों, चाहे हमारे अखिलेश हों, चाहे यादव लगातार किसानों, चाहे पान मायावती हो, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं जो विधानसभा से लेकर संसद लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की बातों को रखते हैं और हमारा समर्थन करते हैं। साथ साथ आंदोलन के समय भी ये लोगों ने हमारा समर्थन किया था, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ हमारा संयुक्त किसान मोर्चा उनसे प्रार्थना करना चाहता है, उनको भगवान सद्बुद्धि दें कि सभी लोग अपने मतभेद को भुला करके किसानों और देश बचाने के लिए एक मंच पे आकर के इंडिया जो गठबंधन बनाए हैं, मोर्चा भी हमारा उनका साथ दे सकता है, यदि ये लोग किसानों के साथ खड़े रहेंगे, मैं इनके साथ हूँ। किसानों के साथ खड़े रहे, किसानों के हित समझे और किसानों के हित की बातों को सरकार तक पहुँचाए, जो आपके नेता हैं तमाम, जैसे आपकी पार्टी के जो अच्छे कार्यकर्ता जुझारू हैं, जो आपसे दिल से लगे हुए रहते हैं, तमाम जो है किसानों की अगर बात करते हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, वहाँ पे जो है गायों की समस्या रहती है, साड़ों की समस्या रहती है, तो उस पर क्या बोलेंगे सरकार जो है? यह आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर मैं हमारा संघ किसान मोर्चा फैसला लिया है। क्या फैसला लिया? कि महोबा जो अपना किसान संघ अनशन किया, हरियाणा में जो आंदोलन चलाया दाम को लेकर के, और अपना दिल्ली के बॉर्डर पर जो आंदोलन किया, इसका सब हम लोग इसका सबक लेते हुए ये फैसला लिया हूँ कि जितने दल हैं जो किसानों मजदूरों गरीबों की बात करेंगे या तो मेरे साथ आते हैं, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से किसान के नेता हैं, जुझारू हैं,
राजनाथ यादव जी हैं, आपको बता दिए, इन्होंने जिस तरह से बताया किसानों की तमाम समस्याओं तक जनता तक की अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये देश प्रदेश किसान जो है मजदूर मेहनत करके अपनी किसी भी प्रकार की समस्या या फिर कमाई से अपना जीवन यापन भी करता है ताकि जो है अपने बच्चों का भविष्य बना सके, पढ़ा लिखा सके। आज किसान का बेटा कोई भी किसान छोटा बड़ा नहीं होता है, किसान खेती करता है, अपने खून पसीने की कमाई लगाता है। लेकिन सरकार को खुद ध्यान देना चाहिए कि किसानों की हर बातों की हर मुद्दों को देखना चाहिए ताकि किसान अगर खुशहाल है तो देश भी खुशहाल है। इस खबर को देखने के लिए हमारी तमाम जो है क्षेत्र के जितने भी ऑडियंस हैं, इस खबर को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तमाम मुद्दे और राजनीतिक जुड़े जो भी सवाल हैं मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। इस खबर को देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हो गया।